सो पहले एक बार हम लोग रुके थे क्योंकि इनकी गाड़ी में कुछ इंजन में माइनर प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद 2-3 किलोमीटर आते ही फिर से टायर पंचर हो गया है। अरे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो बहुत दिनों बाद फिर मैं आज अहमदाबाद के लिए निकला हूँ और हिचहाइक करना थोड़ा भूल ही गया था, बहुत टाइम लगा अभी ट्रक लेने में। और आपको मिलाते हैं अभी जिन भाई साहब ने मेरे लिए रोका जो मुझे अहमदाबाद तक छोड़ रहे डायरेक्ट। भैया इधर हाय कर दो। हाय भाई। और एक तरफ और है एक भाई। हाय भाई। हाय। तो आगे तक आप मुझे अहमदाबाद तक छोड़ दोगे ना? हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद जाना। नहीं वापस तो नहीं जाना है, बट अभी अहमदाबाद तक ही जाना है, बाद में देखते हैं। अहमदाबाद से अगर कहीं जाना होगा तो फिर आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। चलो। सो भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दे चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ अहमदाबाद, क्योंकि मैंने उदयपुर में बहुत दिन बिताए, लगभग एक महीने जो है उदयपुर में मैंने रहा। और उदयपुर में भाई साहब उदयपुर में इसलिए रहा क्योंकि मेरा फंड ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं आगे की ट्रैवल कंटिन्यू कर नहीं कर सकता था। और आगे की ट्रैवल कंटिन्यू करने के लिए मुझे कोई काम करना था, तो वहाँ पे मेरे लिए कुछ काम था जिससे मैंने अपना फंड इकट्ठा करके फिर आगे निकला हूँ। और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अहमदाबाद कब पहुँचता हूँ और कैसे पहुँचता हूँ। कितना टाइम लगेंगे अहमदाबाद पहुँचने में? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे? चलो 5-6 घंटे में। अभी टाइम हो रहा है शायद 9:30 या 9:30 बजेंगे। हाँ टाइम हो रहे हैं अभी 9:30 बजेगा। हाँ 9:30। ये देखो भाई टाइम 9:30 बज रहे और 6 घंटा मतलब 10:30, 11:30, 12:30। हाँ 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, 3 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो हमने 1 घंटा ट्रैवल किया है और 1 घंटे में भाई साहब ने जो है 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। लगभग आई थिंक 3 या 4 घंटे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में तो पहुंच जाएंगे, यानी 3:30 या 4 बजे तक फिर मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में इन्होंने 60 किलोमीटर कवर किया है। और अभी हूँ सर्विस सेंटर, अशोक लेलैंड की सर्विस सेंटर में, क्योंकि इनके इंजन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंजन चेक हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। और ये है सर्विस सेंटर, तो यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स करेंगे और प्रॉब्लम फिक्स करते ही फिर से निकलेंगे। पहले एक इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम आया था तो वो फिक्स किया और फिर 2-4 किलोमीटर चलते ही फिर टायर पंचर हो गए। यार क्या क्या देखना पड़ेगा, शायद ये तो 15-20 मिनट लेंगे फिक्स होने में। तो चल देखते हैं कि आज कब तक मैं अहमदाबाद पहुंच पाता हूँ। 10 या 15 मिनट लगेंगे इनको चेंज करने में और उसके बाद आगे निकलेंगे हम लोग अहमदाबाद तक। और पता नहीं यार टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। पहले माइनर चेंजेस, अब पंचर और क्या क्या देखना पड़ेगा आज पता नहीं, देखते हैं आज कितनी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है देखा जाएगा। तो हाईवे पे मैं खड़ा ही था और भाई लोग पंचर बना रहे थे और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो मेरे को मोटिवेट किया, एक फॉरेनर लड़की साइकिल पे ऑल इंडिया कवर कर रही है, साइकिल पे फुल वो इंडिया कवर कर रही है। इंडियन होती तो फिर भी मतलब सही है कि नहीं इंडियन कर रही है, फॉरेनर आके इंडिया में साइकिलिंग कर रहा है यार, तो इंडियन का तो ज़रूर करना चाहिए। मतलब वो भी लड़की कर रहे हैं और साइकिल पर, वो आगे निकल गए पता नहीं, मतलब नहीं तो मैं आपको दिखाता अभी, बट वो अभी चला गया, स्पीड में था बस उन्होंने हाय हेलो करके निकल गया। और मतलब ये चीज़ मोटिवेट करते हैं कि कोई फॉरेनर आके इंडिया में साइकिलिंग कर रहा है और मतलब
ये चीज़ है, ये अच्छी लगती है। इंडिया फुल ऑल इंडिया टूर पे हैं अभी, तो साइकिल में कवर कर रहे हैं। अगर कोई इंडियन करता तो शायद और अच्छा होता। सो हम लोग पहुंचने वाले थे अहमदाबाद 2 या 3 बजे, बट गाड़ी में इतना प्रॉब्लम आया कि उसके वजह से शायद रात 7 या 8 बज जाए अहमदाबाद पहुँचते पहुँचते। और इन भाई साहब ने, भाई ये दोनों भाई साहब मेरे लिए दोपहर को खाना बनाए, रोटी और सेव टमाटर, क्योंकि ये मैं नहीं रहता तो ये खाना नहीं बनाते मेरे लिए इन्होंने। अरे यार डिस्टर्ब करा है, तो मेरे लिए इन्होंने सेव टमाटर और रोटी बनाई। यार भाई सेव टमाटर बहुत अच्छा बना था, थैंक यू सो मच भाई। अब हम अभी शायद 1 से 2 घंटे तक पहुँच जाएँ, 2 घंटा। ये अहमदाबाद ही है, ये अहमदाबाद ही है, मतलब अहमदाबाद ही है बट हम बाहर के साइड है। अब अंदर जाते हुए 1 से 2 घंटे तो लगेंगे, तो उसके हिसाब से सिटी में पहुंचने तक 2 घंटे में। अभी अगर 5 बजे जाएंगे तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 2-3 बजे पहुंच जाते, बट मतलब किस्मत खराब है और ट्रैफिक भी है ना, ट्रैफिक के लिए भी टाइम लगेंगे, ट्रैफिक भी बहुत होते हैं और गाड़ी 2-3 बार थोड़ा, एक बार तो सर्विस सेंटर में, फिर पंचर, फिर और साइलेंसर की प्रॉब्लम, उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो बस देरी ही भली पहुंच तो गए, यही बहुत है। और इन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, बिल्कुल थैंक यू। सो फाइनली भाई ने मुझे अहमदाबाद तक ही छोड़ा और यहाँ से मैं अभी उतर जाऊँगा शाम में ही। सो थैंक यू सो मच भाई आपको, बिल्कुल थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख के रोके थे। फिर मिलेंगे चलते चलते, इधर नहीं आगे उतरूंगा ना, आगे वाले सर्कल पे। एक भाई साहब को पता है मुझे कहाँ उतरना है, इधर हेलो गाइस। तो क्या हुआ था, रात को मैं अहमदाबाद स्टेशन आया था, वहाँ बस पकड़ के फिर गुरुद्वारा मिला नहीं रात को। सो गुरुद्वारा नाम बंद हो गए थी 9 बजे और रात बहुत हो गई थी 9:30। फिर मेरे को होस्ट भी नहीं मिल रहे थे, फिर मेरे को एक होस्ट से बात हुआ था, उनको मैंने कॉल किया, थोड़ी मैसेज किया और उन्होंने बोला कि आ जाओ, रात हो गई है अब तो आप मेरे पास हो जाओ। तो मैं रह रहा हूँ अभी बिप्लब जी के साथ और उन्होंने मेरे को रहने के लिए एक अपार्टमेंट, उन्होंने स्पेशली काउच सर्फर्स के लिए एक अपार्टमेंट बनाया है और मैं उधर ही अभी रह रहा हूँ उनकी अपार्टमेंट में। सो ये है उनकी अपार्टमेंट, ये मेरे को रहने के लिए उन्होंने रूम दिया है, रूम नहीं फुल अपार्टमेंट ही दिया है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में टोटल दो रूम्स, एक हॉल रूम्स, किचन, 2 बाथरूम और बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू क्या आते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि बालकनी है, दो दो बालकनी है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यूज़ आते हैं। ये देखो भाई क्या व्यूज़ आते हैं इधर से, नाइस। तो रू गया रेल लाइन। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में मैं ख़त्म करता हूँ यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं यहाँ से निकलूँगा गांधीनगर जो कि सॉल्ट माउंट म्यूज़ियम है, गांधीनगर कवर करके फिर शायद भुज निकलूँगा।